आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मजे के यमी चिकन चीज बंस। और ये चिकन चीज बन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है ताकि मैं आसानी से आपको बता सकूँ कि बन किस तरीके से रेडी करना है और जो चिकन जो इसकी स्टफिंग है वो कैसे रेडी करना है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि बन की डो कैसे रेडी करनी है। तो बन की डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे मग जो है ये कलर देखे तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा मग है। तो ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें 1 कप फुल मैंने मैदा लिया और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदे में जाएगा यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, 1 टेबल स्पून यीस्ट, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 एग। इससे तैयार करूँगी डो और ये डो जो है ये मैं नीम गर्म पानी से इसे डो बनाऊँगी। इसके साथ ही यहाँ पे चिकन ले रही हूँ स्टफिंग के लिए, मैंने यहाँ पे ली हुई है ये चिकन है, ये चिकन तकरीबन 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है, ये चिकन ली है। चिकन में जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून बटर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। इससे मैं करूँगी चिकन की स्टफिंग और जो वो चिकन को मैरिनेट पर करूँगी, इससे मैं चिकन को कुक करूँगी और जो बन की स्टफिंग होगी उसके लिए मैंने यहाँ पे चीज़ ली हुई है, ये है चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही यहाँ पे गार्लिक केचप मैंने लिया हुआ है, इसके यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जर्दी और सफेदी मैंने हटा दी, यहाँ पे सिर्फ ये एग योक है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून कलर ऐड किया है, वो मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चले अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, पहले मैं डो रेडी करूँगी। तो चले अब मैं यहाँ पे जो चिकन चीज़ बन बनाने वाली हूँ मैं उसके बंस की डो बनाऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो मैदा लिया था अभी इसमें जाएगा मैदा। अब मैदे में मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, साथ ही जाएगी इसमें यीस्ट, पाउडर मिल्क, नमक, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, इन सब चीज़ों को डाल के पहले मिक्स कर लें अच्छे से। बहुत ईजी है, बस इसे आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है, आपके भी बंस बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा बना सकती हैं, बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। ठीक है, ये मिक्स हो चुका है, अब मैंने इसमें यहाँ पे जो ऑयल रखा था इसको डाल दूँगी और इसे भी मिक्स करके इस तरीके से इसको मिक्स करें ऐसे मैदे को। ऑयल जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अभी मैं लूँगी यहाँ पे जो एक अंडा मैंने रखा था बीट करके इसको डाल देना है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी होती है ये देखें अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ करने के लिए कुनकुना पानी रखा है, ठीक है, वार्म वाटर। तो इसमें जो है अभी देख रहे हैं आप डो जो है ये किस तरीके से आटा हो रहा है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको गुनना है। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये संभलेगा नहीं, बस इसको समझे एक तरह से मिक्स करना है। मैं आपके सामने पूरा ये डो रेडी करके दिखाती हूँ आपको, बस थोड़ा थोड़ा सा आपने वाटर ऐड करना है। इसको डस्ट करती जाऊंगी और बिल्कुल हर तरफ से डो को मुझे क्लीन करने ताकि डो जो है आराम से मेरे हाथों में आ जाए। सही है,
तरीके से डो को रेडी कर लेना है। डो जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है, सही है। इसको बिल्कुल देखिए, कहीं से मेरे हाथ पे ये नहीं लग रही है, यहाँ पे मैंने ग्रीस करके ऑयल से ये बॉल रखा हुआ था, ठीक है, ताकि डो जो है राइस होते इसमें नहीं लगे। इसमें मैंने ये डाल देना है। डालने के बाद इसको जो है यहाँ पे मैं प्लास्टिक से कवर कर रही हूँ। आपके पास ये वाली प्लास्टिक अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक से कवर करके इसको रख दें। इसको अच्छे से इसे लगा दें प्लास्टिक को। इसको देखिए मैंने प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर दिया। इसके बाद भी मैं इसे ऊपर से भी कवर से कवर करके इसे किचन के ही किसी साइड पे के एरिया में रख दूंगी ताकि ये गर्म रहे और अच्छे से राइस हो जाए। फिर जब ये राइस होता है तकरीबन इसको मैं 2 आवर्स के लिए रेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर बनाते हैं। पतीले को मैंने प्री हीट करने रख दिया है, इतनी देर में पतीला प्री हीट हो जाएगा जब तक मैं चिकन रेडी करती हूँ। अभी मैं चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करूँगी। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें जो मैंने जस्ट 1/2 टीस्पून में बस डालूंगी, फिर ऑलरेडी मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ कुटी हुई, और इसमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून रेड चिली। इसके साथ ही इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक जिंजर पेस्ट, सोया सॉस, बटर, हस्बे जरूरत नमक, अब इन सब चीजों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लें। चिकन इसमें मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे जस्ट 1/2 आवर का रेस्ट दूंगी, उसके बाद मैं इसे कुक करूंगी। अभी पैन में मैंने चिकन को डाल दिया है, 1/2 घंटा रेस्ट देने के बाद। मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया है, जस्ट ये बटर में ही कुक होगा, ठीक है। फिर ये अपना पानी रिलीज करती जाएगी चिकन और उसी में ये कुक होती जाएगी, और फ्लेम को मैंने मीडियम में रखा है। चिकन देखें पानी रिलीज कर चुका है और इसी में मैं इसे कुक कर रही हूँ। अब या इस स्टेज पर मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगी और जल्दी से चिकन को कुक कर लूँगी। चिकन हैव डन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन डन हुई है। इसमें मैं 1 टी स्पून ब्रेड क्रम्स उसको ऐड करके इसको मैरिनेट कर लूँगी अच्छे से, ठीक है। इससे चिकन में का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें फ्लेवर आ जाएगा, सही है। तो स्टफ जब हम बन में ये खाएंगे तो हमें बहुत ही मज़ेदार सा चिकन, देखिए बहुत टेस्टी चिकन रेडी हुई है। चले जी ये अब हम चलते हैं बन की स्टफिंग की तरफ। डो देखिए अच्छे से राइस हो चुकी है, तकरीबन मैंने इसे 2 आवर्स का रेस्ट दिया था, और अब मैं बनाऊंगी बंस के लिए पेड़े, ठीक है। ये अच्छे से राइस हो चुकी है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अभी वेदर जो है वो बहुत ड्राई है, गर्मियाँ नहीं है, विंटर्स चल रहे हैं, तो मैं ऑयल लगा के इसको इसकी हवा जो है सबको निकालूंगी, और नहीं तो गर्मियों में जो है वो हम डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं मैदे का, सही है। ये देखें अच्छे से चुके राइस हो चुके थे ये बहुत अच्छे से, अब देखें सही है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे पेड़े के लिए डस्ट रखा हुआ है, मैदा ही रखा हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़ रेडी करूंगी। इस तरीके से मैंने बन जो है सेटल कर लिया है, अब मैं इसको स्टफिंग के लिए करूंगी रेडी। इसको यहाँ से मैंने पेड़े को फैला लिए हैं। अभी मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी कैचअप, सही है, कैचअप इसमें लगा लें जितना आपको लगाना है उस लिहाज से। मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ कैचअप। अब मैं इसमें यहाँ पे करूँगी इसमें चिकन स्टफिंग, ये भी 1 टीस्पून के करीब मैं चिकन ऐड करूँगी इसमें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये जो मैंने चीज रखी है इसको डालूंगी। और मैं
पेड़े को अच्छे से कवर कर लूँगी साइडों से लेके इसको, और इस बन रेडी कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए बन को मैंने फिल कर लिया है अच्छे से, सही है, बन रेडी हो चुका है। मैंने ये डिश है ये ग्रीस करके रखी हुई ऑयल से, मैं इसमें डालूँगी। सारे बंस मैं रेडी कर चुकी हूँ, अभी मैं इसे कवर करके 20 मिनट्स के लिए रहने दूंगी ताकि ये जो बंस हैं थोड़े राइस हो जाएं। उसके बाद मैं इसे बेक होने पतीले में रखूंगी। 20 मिनट्स हो चुके हैं, बंस जो है राइस हो चुके हैं। ये जो मैंने अंडे की जो रखी थी जर्दी, इसमें कलर डाल के इसको बस मैंने थोड़ा सा बस छोड़ना है ठीक है इस तरीके से, और इसको मैं ब्रश की हेल्प से सब में लगा दूंगी। अब मैं इसे पतीले में रखूंगी बेक होने के लिए। मैंने इसे पतीले में रख दिया है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और बेक होने दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में ये बेक हुआ है। यम्मी से चिकन चीज बंस जो है रेडी हो चुके हैं, 30 मिनट्स में ये बेक हुए हैं। अब मैं इन्हें आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार चिकन चीज बन बन चुके हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।